पहले मैं शेमकोर के बारे में थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। शेमकोर गांव एक छोटी सी गांव है जो दिमासो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एंड वहाँ पे सेमसस लोग रहता है, यानी कि वो सेमसस लोग नहीं, शेमकोर गांव का नाम रखा है। वहाँ पे शेमकोर यानी कि सेम यानी कि नमक और खोर माने की गद्दा, जहाँ पे साल्क मिलता है, साल्क वाटर। और वहाँ पे जो दिमासा लोग रहता है उसे वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। दिमासा लोग का जब भी जो वार होता है तो सबसे पहले वो लोग ही उस वार को फेस करता है और डिफेंड करता है दिमासा गांव को। शेमकोर में जो दिमासा लोग रहते हैं वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को पूरी तरह से निभाते आ रहे हैं पूर्वजों से। और सेमसस लोग है जो दिमासा का सबसे प्योरेस्ट जाति माना जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है समरजी खेम्बा और मैं दिमासा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिमासा ट्राइब इन ए मूवी कॉल्ड शेमकोर। एक्टर उफ डायरेक्टर है मिस एमी बोरा। तो मैं पहले शूटिंग ऑफ द फिल्म से शुरू करेगा जो लॉकडाउन में शूट किया गया था। हाँ, जब पूरा देश डर के बाहर नहीं निकल रहा था तब वो एमी बोरा जी शेमकोर गांव में आया और वो मूवी शूट किया 2020 को। उसे नहीं पता था कि वहाँ पे मूवी शूट करने से वो भी लॉकडाउन के समय में कोविड फैल सकता है। जब बाहर का आदमी एक गांव में घुसते हैं, मतलब ऐसे आना जाना लॉकडाउन बंद है, तभी वो ऐसा आना जाना करके कैसे मूवी शूट कर सकता है, वो पहला पॉइंट। और एमी बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि पहले उसे उस शेमकोर गांव में घुसने नहीं दिया गया था क्योंकि वो दिमासा नहीं था, दिमासा लैंग्वेज पता नहीं था, इसलिए उसे घुसने नहीं दिया गया। फिर उसे एक साल बाद वो दिमासा लैंग्वेज का ट्यूशन लेके, मतलब वो सीख के फिर एक साल बाद आया उस गांव में और उसके बाद ही वो मतलब दिमासा लैंग्वेज आ गया, इसलिए घुसने दिया, ऐसा बताया उसने। अरे भाई, बाहर का आदमी को क्यों घुसने नहीं देगा, दिमासा नहीं होने से क्यों घुसने नहीं देगा, ऐसा ऐसा क्या, कौन सा गांव में ऐसा करता है, ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं करता। तो मैं ये एक छोटा सा क्लिप डाल देगा जहाँ पे शेमकोर का लोग इतना वेलकमिंग है, जो टूरिस्ट से इतना प्यार से बात करते हैं, वो डाल देगा। লগু হাজি পালানাং ইয়াও হিলো দামা আরে খাও নাই গদিনে বিসি মালা জাপাই খা জেংখং রেমি বাই নাং বাউসি বাই খো বাউসি বাই খো ওই শুনি দাও ওলে গো না তো এমি বোরাজি এসে কেসে কে সকতা হ্যায় কি উসে ঘুসনে নাই দিয়া গয়া। এমি বোরা নে কনফারেন্স মে ইয়ে ভি বাতায়া কি জব ও ওয়াহ পে শুট পে থা তব উসে उसने कैमरा लिया और एक लड़की का फोटो लिया बोला। तो जब वो कैमरा से वो डायरेक्टली फोटो जो निकलता है ना, तो वो फोटो उस लड़की को दिखाया तो वो लड़की डर के वो फोटो फाड़ दिया, ऐसा बोला, फाड़ दिया यानी कि फाड़ के भाग गया डर के। और फिर उसके बाद एमी बोरा को धमकी दिया बोला ऐसा। तो भाई वहाँ पे उस गाँव पे एक राजूत नाम का एक ब्लॉगर भी है, उस गाँव का ही है। तो आपसे पहले वो आपका फिल्म की शूट से पहले वो वहाँ से ब्लॉगिंग करता है, वो वीडियोस वगैरह यूट्यूब फेसबुक में डालते हैं। तो तभी वो राजूत को उसको वो राजूत को डर नहीं लगा वो फोटो जब वो वीडियो वगैरह लेते हैं, तो उसे राजूत को क्यों धमकी नहीं दिया उस गांव का आदमी को। अरे ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉगर है, ब्लॉग्स बनाता है, वीडियोस बनाता है, तो एक फ़ोटो तो मामूली सी बात है, वीडियो लेता है, वीडियो दिखाता है, अब ऐसा क्यों झूठ बोल सकता है ऐसा मीडिया में। मैं उस ब्लॉगर का चैनल का लिंक मैं इस मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं वो कब किस समय से वीडियो बनाते आया है। तो अभी मैं बात करता हूँ वो बच्चा को जो गार देता है मूवी में जो दिखाया, तो ऐसा तो कभी नहीं होता है दिमासा समाज में, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आज से 25 साल हो गया कि 25 साल में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया, कुछ ऐसा ट्रेडिशन भी नहीं सुना, क्या मेरा आँख बंद था, मेरा कान सुनाई नहीं देता था, या मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो एमी बोरा जी ने ये सब तो मेंशन ही नहीं किया डिस्क्लेमर में कि ये फिक्शनल है, ये स्क्रिप्टेड है, ऐसा कभी नहीं बोला ऐसा। और उसके बाद मूवी शूट करने के बाद, जस्ट शूट करने के बाद 5 दिन के बाद वो जो बेबी को शूटिंग में जो इस्तेमाल किया गया वो बेबी का देहांत हो गया, मतलब डेड हो गया। आज हम दिमासा डिस्ट्रिक्ट का दियुंगब्रा जगह में है और दियुंगब्रा में ये राजबाड़ी 2 बोल के बस्ती है वहाँ पे है। आज जिससे हम मिलाने जा रहा है
आप लोग को। वो लोग का एक जो दुख भरी कहानी है वो अभी हम लोग सबको मालूम होना है। मैंने ऑलरेडी वो लोग से थोड़ा बातचीत किया है, वो लोग का परमिशन से आज ये हम स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रहा है। वैसे तो ये लोग डिमासा भाषा में बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज का कहानी सबको पता चले इसलिए हम लोग हिंदी में आप लोग को बताना चाहते हैं उन लोग का स्टोरी। आपका नाम पहले एक बार बता दो। मेरा हेमी बोल रहा है, मेरा नाम हेमी। आपका नाम? परबिता केम्प्राय। ये जो शमखोर फिल्म अभी रिलीज भी हुआ है, उस फिल्म में जो एक सीन है और फिल्म का लास्ट सीन में भी है, जहाँ में फिल्म का एक्ट्रेस और डायरेक्टर एक बच्चा को लेता है अपने साथ में, वो बच्चा एक्चुअली आप लोग का बच्चा था। हाँ, मेरा बच्चा था। और उस दिन का शूटिंग के बाद में, 5 दिन बाद में, वो बच्चा का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। क्या ये सही है ये बात? सही है। तो वो सब तो कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए था, ऐसा ऐसा हुआ। अब उस फैमिली से तो माफ़ी भी नहीं मांगा आपने, वो सब तो अपोलोजाइज करना पड़ेगा ना आपको। और जो हम लोग का दिमासा जाति को जो इतना मिसरिप्रेजेंट किया, हम लोग का कल्चर को इतना मतलब नेग्लेक्ट किया, अब जो मर्जी आया आप जो मीडिया में दिखा रहे हो ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। तो गाइस, अब सबसे फनीस्ट पॉइंट पे आता है, जहाँ पे एमी बोरा जी ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि मणिपुरी डायलॉग से मखाम जिखा, यानी कि खाना खाया, बात खाला, असमी से वो बोला बात खाला। अरे यार, ये तो बिल्कुल गलत है। मखाम जिखा मीन्स फ्रॉम डिमासा लैंग्वेज, डिमासा लैंग्वेज में मखाम जिखा यानी कि खाना खाया, ऐसा बोलता है। अब ऐसा कुछ भी पता नहीं तो ऐसा मीडिया में कैसे बोल सकता है, ऐसा कॉन्फ्रेंस में कैसे बोल सकते हैं हम लोग का डायलॉग को, ऐसा मतलब कुछ भी पता नहीं। आप जब आप डिमासा लैंग्वेज को सीखा ही नहीं तो कैसा ऐसा अपने मर्जी से कह सकता है ऐसा। और एक बात, आप जो उस मूवी में आप जो बात करते हैं डिमासा लैंग्वेज में, आप तो बिल्कुल ही डिमासा ट्यून में नहीं कर रहे हैं। अब जबकि आपने बोला कि आप 5 साल से या 6 साल से एक्टिंग का कोर्स लेना शुरू किया, तब तो आपको एक्टिंग तो अच्छे से आना चाहिए, लैंग्वेज सब अच्छे से करना चाहिए। आप तो बिल्कुल दिमासा ट्यून में तो है ही नहीं, हम लोग तो ऐसा तो बात ही नहीं करता ऐसा। आप जबकि आपको एक्टिंग ही अच्छे से नहीं आता तो आपको डायरेक्टर बनने का क्या शौक है? ऐसा मन मर्जी कैसे डायरेक्ट कर सकता है आप? और आप जो डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था ना, वहाँ पे जो शमखोर का लोग डेवलपमेंट नहीं चाहता है, वहाँ पे जब गवर्नमेंट से वो डेवलपमेंट आता है, वहाँ पे रास्ता जो बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो लगाते हैं, आपने बोला कि रास्ता बनने से वो लोग नाला बनाते थे रास्ते के मिडिल से, और जब वो बिजली का तार लगता है तो वो उसे काट देता है, ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। जो लोग डेवलपमेंट नहीं चाहता है ऐसा तो कभी नहीं सुना। डेवलपमेंट आने से तो सब भी खुश होता है ना, ऐसा क्यों गलत फैला रहे हैं? आपको पता है वहाँ पे कैसा मतलब वहाँ पे कैसा सिचुएशन, आपको पता है वहाँ पे कैसा सिचुएशन है? वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे जो कुछ भी आता है तो पहुँचता नहीं है। तो आपको तो वो सब बताना चाहिए ना कॉन्फ्रेंस में कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट लाना चाहिए। इनफैक्ट आप तो ये बोल रहा है कि शमखोर का लोग डेवलपमेंट ही नहीं चाहता, मेडिसिन देने से डर जाता है। अरे भाई, वो लोग भी हॉस्पिटल आता है कुछ होने से, हॉस्पिटल आता है, माईबांग हॉस्पिटल में आता है वो लोग भी कुछ होने से, मेडिसिन क्यों लेने से डरेगा वो लोग? और मैं ये बताता हूँ कि वहाँ पे हर हफ्ता पे वहाँ से डॉक्टर्स वगैरह जाता है वो शमखोर का वो सब सेंटर में, तब तो उन लोग डॉक्टर को भी आने नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से तो। आपके हिसाब से तो वो लोग डॉक्टर को भी नहीं आना चाहिए ना? आप जो बोला कि मेडिसिन देने से भाग जाता है और फिर ऐसा कोशिश मत करना, ऐसा बोला कि आपने ऐसा बोला ना, तब तो डॉक्टर जो जाता है माईबांग से, नर्स वगैरह जो जाता है हफ्ते में 1-2 बार, तब तो उसे भी भगा देना चाहिए, उसे उन लोग को आना ही नहीं देना चाहिए। शमखोर का लोग क्यों उन लोग को आने दे रहा है? हाँ, आप बताइए क्यों उन लोग को आने दे रहा है यहाँ पे और शमखोर पे? वो गाड़ी भी नहीं जा सकता उन लोग का जो शमखोर विलेज में है ना, वो गाड़ी भी नहीं जा सकता, आधा रास्ता तक वो पैदल आना पड़ता है, उसके बाद ही गाड़ी आ सकता है। तो ऐसा क्यों झूठ बोला एमी बोरा जी? आप बताइए, अभी आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको मीडिया में आके माफ़ी मांगना पड़ेगा आपको, जबकि
सभी लोग वहाँ पे डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ पे सब अभी जो अभी अभी आप जाके देखो वहाँ पे कितना पढ़ा लिखा है, मतलब जैसे एग्जांपल ऑफ दिस राजौट ब्लॉक, वो अभी गुवाहाटी पे पढ़ता है, गुवाहाटी पे पढ़ते हैं, वो वीडियोस वायरल बनाता है। आप उसके चैनल को विजिट करके देखो ना, कब से वो वीडियोस बना रहा है। अरे भाई डेवलपमेंट क्यों नहीं चाहेगा? आज मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ आपको कि आपने जो इतना सेंटिमेंट हर्ट किया ना हम लोग का, जो मेंटली इतना डिस्टर्ब किया ना हम लोग को, और वहाँ पे दिमाग पे हम लोग का भाई बहन चाचा चाची इतना वो क्या है रैली पे जा रहे हैं, आप सिर्फ अपोलोजाइज कर दीजिए मीडिया में। ऐसा झूठ मत बोलो एमी बोरा जी, टीआरपी सबसे बड़ा चीज़ नहीं है, वो मेंटेन वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये कहानी सच्ची से मतलब दिल से बनाया और जो रिप्रेजेंट किया वो अच्छे से रिप्रेजेंट किया तो इतना प्यार मिलता था, हम लोग भी इतना खुश होता था कि दिमाग पे आके मतलब दिमाग मूवी बना रहा है इतना इंटरनेशनल, वो भी मतलब आप लोग आपने तो इंटरनेशनल भी अवार्ड भी जीता है मेरे हिसाब से, तो तब तो हम लोग भी बहुत खुश होता। लेकिन आपने इतना मिस रिप्रेजेंट किया ना, अच्छा नहीं लगा। वो भी बुरी बुरी बात कह के कि दिमाशा लोग ऐसा है, दिमाशा लोग वैसा है, डेवलपमेंट नहीं चाहते है दिमाशा लोग, क्यों ऐसा क्यों किया है? मैं बोरा जी, क्या आपको शेमकर का लोग से दुश्मनी है क्या? मूवी शूट करते वक्त किसी ने आपको कुछ बोल दिया क्या? हाँ, शेमकर में जब आप मूवी शूट कर रहा था शेमकर का लोग आपने आपसे कुछ किया था इसलिए बदला ले रहा था क्या? आप बताइए एम ए बोरा जी, आप बताइए। ये सबको तो शेमकर का लोग से माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, और मीडिया में आके हम सभी से माफ़ी मांगना पड़ेगा आपको मीडिया में आके। ऐसा कुछ लेटर वगैरह देने की कोशिश मत करना है, आई अपोलोजाइज ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको मीडिया में आना पड़ेगा, आपको शक्ल को दिखाना पड़ेगा और माफ़ी मांगना पड़ेगा हम सभी दिमाशा कम्युनिटी को, आपको आपने जो इतना सेंटिमेंट हर्ट किया। यार मैंने एक वीडियो देखा, एक वीडियो में करेंटली पोस्ट किया गया है, वहाँ पे शेमकर का लोग तो कब मूवी आएगा, कब मूवी रिलीज होगा, अरे नेट पे दिया क्या ऐसा बोल के उन लोग का बड़ा आदमी लोग वहाँ पर जो मुखिया है वहाँ का एल्डरली पीपल है उन लोग से उन लोग ने पूछा, छोटा आदमी लोग जो मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो उन लोग ने पूछा, तो उन लोग भी रिप्लाई दिया कि यार नहीं हुआ, यूट्यूब पे नहीं मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। तो आपसे आपका पहला काम होता है ना कि शेमकर का लोग को दिखाए वो मूवी कैसा, आपको आप लोग को कैसा लगा हम लोग का मूवी, आपका फर्ज बनता है ना उन लोग को दिखाने के लिए। वो लोग तो इतना वेट कर रहा है वीडियो कब आएगा, मूवी कब आएगा, हम लोग भी देखेगा। मेरा खुद का गांव का वीडियो मूवी आ रहा है, वो भी टीवी पे बड़ा स्क्रीन पे, मोबाइल पे नहीं बड़ा स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, ऐसा सोच के उन लोग का मेंटेलिटी ऐसा सोच कर रह रहा था, बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब मतलब पास के गांव से पता चला कि ऐसा कंट्रोवर्सी चल रहा है, मतलब ऐसा मिस रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब गलत बोल रहा है शेमकर के बारे में, तब उन लोग का दिमाग को हार्ट नहीं होगा क्या? तेज नहीं पहुंचेगा उन लोग को, खराब नहीं लगेगा उन लोग को? आपने गलती किया तो अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा, और शेमकर का लोगों को तो पर्सनली जाके अपोलोजाइज करना पड़ेगा, और उस मूवी में डिस्क्लेमर अच्छे से देना पड़ेगा आपको, नहीं तो डिस्क्लेमर नहीं दे सकते तो वो मूवी को बंद कर दीजिए, हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा मूवी। हाँ, और हम सभी दिमाशा की तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि ये मैटर को लेते हुए अच्छे से मतलब हम लोग को जस्टिस दिलाए, और हम लोग को जो सेंटिमेंट्स हर्ट किया है उसको जस्टिस दिलाए। और यही है आज जो मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग मेरा जो सब्सक्राइबर्स है, मेरा जो फैमिली है, और जितने भी आदमी मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप लोग भी अच्छे से जज करिए किसका गलती है किसका नहीं गलती है। आपको वीडियो देखने से पता चल जाएगा, आप लोग सिर्फ शेमकर टाइप कीजिए या तो शेमकर कंट्रोवर्सी टाइप कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। आप लोग जितने भी पब्लिक मेरा वीडियो देख रहे हैं, और सही गलत जज करके फिर से आप लोग भी कमेंट करके बोल सकते हैं वहाँ पे किसने गलती किया। हाँ, और यही है आज का वीडियो, तो जुताई, और मैं अभी जो जुताई बोला ना वो एमी बोरा जी इससे मणिपुरी डायलॉग में मत कन्वर्ट कर देना। हाँ।